नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज और आपसे इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में, मंथली राशिफल जिसको आप कहते हैं। और ये जो मंथली राशिफल है ये है माह दिसंबर 2021 का। हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक बताएंगे कि ये दिसंबर का जो महीना है 2021 का, आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको दे करके जाएगा, इस सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। एक एक राशि के विषय में बात करेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आपके राशिफल के विषय में जानकारी दें, बताना चाहेंगे कि इस दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी रहने वाली है, उसके विषय में भी आपको पहले जानकारी देना चाहेंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति गोचर में दिसंबर के माह में कैसी रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य जो है वो दिनांक 15 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में उनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने सम ग्रह बुध और शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी। मंगल अपनी सम राशि तुला से निकलेंगे 5 दिसंबर को 2021 को और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 10 दिसंबर को अपनी सम राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी सम राशि धनु में इनका प्रवेश होगा 10 दिसंबर को अस्त एवं मार्गी अवस्था में, लेकिन 22 दिसंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे और फिर 29 दिसंबर को ये धनु राशि से निकल करके अपनी जो इनकी सम राशि है मकर, उसमें इनका प्रवेश होगा मार्गी एवं उदय अवस्था में माह के अंत में 29 दिसंबर को। गुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन रहेगी दिसंबर के महीने में? गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी सम राशि कुंभ में बने रहने वाले हैं पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में। शुक्र दिनांक 8 दिसंबर 2021 को अपनी सम राशि धनु से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका होगा प्रवेश। यहां 19 दिसंबर को ये वक्री होने वाले हैं और 30 दिसंबर को वापस ये अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनकी युति अपने मित्र शनि के साथ रहने वाली है मकर राशि में। शनि कहाँ रहेंगे? शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में बने रहेंगे मार्गी एवं उदय अवस्था में और राहु ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह बने रहेंगे। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों स्थिति ग्रहों की गोचर में जो माह दिसंबर में रहने वाली है। अब आपसे हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। वृषभ लगन के जातक हैं, आज उसी को लेकर के हम आपसे बात करने वाले हैं आपके मासिक राशिफल के लिए जो कि दिसंबर 2021 का है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो वृषभ लगन के जातक हैं यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके हम मासिक राशिफल की बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले करेंगे बात आपके प्रोफेशन को लेके, आपके करियर को लेके कि आप वृषभ लगन के जो जातक हैं उनका माह दिसंबर का करियर कैसा चलने वाला है, चाहे व्यापार है या रोजगार। तो बताना चाहेंगे कि देखिए, परिणाम तो आपको मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, लेकिन उन परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको परिश्रम भी उतना ही करना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति नहीं रहेगी दिसंबर माह में कि आप थोड़ा सा परिश्रम करें और अधिक परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएं। इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं रहेंगी आपके साथ माह दिसंबर में। अगर आप चाहते हैं
के परिणाम पूरे तरीके से आपके फेवर में हो, आपके अपेक्षा के अनुसार हो, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसके लिए फिर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर करेंगे तो परिणाम आपके मुट्ठी में है, ये मान करके चलिएगा। और दूसरा बता दें आपको, भाग्य का यहां पर पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, पूरे माह मिलेगा भाग्य का सपोर्ट। तो देखिए, जब भाग्य भी साथ हो तो हमें हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठना चाहिए, उसके लिए फिर हमें प्रयास करने चाहिए। अगर हम करेंगे प्रयास तो हमें उतनी ही जल्दी अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो पाएगी। तो यहां पर मैंने जैसा कहा कि भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है माह दिसंबर में, प्रिय साथियों, उसका आप लाभ लीजिएगा। और आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, चाहे रोजगार या व्यवसाय जिसमें भी हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी, अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे और अच्छे अचीवमेंट करेंगे आप। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा आपकी इच्छा शक्ति पर, आपके प्रयासों पर। जितना अधिक प्रयास करेंगे, जितना अधिक हार्डवर्क करेंगे, उतने ही बेटर रिजल्ट्स आप प्राप्त कर पाएंगे। आपको अच्छे अच्छे उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे, बाहर से भी होंगे वैसे भी होंगे। और दूसरा बता दें आपको, सुख सुविधाओं का भी आप पूरा पूरा लाभ लेंगे इस माह, मिल पाएगा आपको सुख सुविधाओं का लाभ। और लेकिन छोटी मोटी समस्याएं जरूर आएंगी आपके कार्यों में, वो भी माह की 15 तारीख तक। उनसे आपको घबराना नहीं है, उनसे घबरा करके कदम पीछे नहीं हटाने, ये बहुत टेम्परेरी है। माह के आरंभ से माह के मध्य तक रहेगा कि आपको अपने कार्यों में बाधाएं भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं आपको। आपने घबराना नहीं है, आप अपने प्रयास जारी रखिए, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने जा रहे हैं आप, अगर हमारी कही बात पर अगर आप देते हैं ध्यान। अब बात वित्तीय स्थिति की कर लेते हैं, वित्तीय स्थिति कैसी रहने वाली है आपकी। देखिए, वित्तीय स्थिति का जहां तक प्रश्न है, वित्तीय स्थिति भी आपकी सामान्य से बेहतर रहेगी इस माह। धन का आगमन बना रहेगा आपके मुट्ठी में, धन आपको दिखाई देगा, ये भी हम आपसे बताना चाहते हैं। और कोई आप भवन आदि खरीद सकते हैं, कोई मकान आदि खरीद सकते हैं, मतलब या कोई और वाहन आदि खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद भी सकते हैं, उसके लिए भी योग बने हुए हैं। अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है तो वो भी आप पूरी कर पाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि धन का इन्वेस्टमेंट भी आप सही जगह, या सेविंग्स भी आपकी बहुत सही जगह होगी। हाँ, इतना अवश्य है कि माह के 22 तारीख तक थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं इसमें, अंततः गोत्वा, आफ्टर ऑल आपकी जो प्लानिंग होगी होगा वही, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। मान लीजिए आप कहीं अपना पैसा सेव करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन फाइनली आप अपनी प्लानिंग में सक्सेस होंगे और धन सेव कर पाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं, प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा। तो देखिए, ये प्रेम संबंधों की बात अगर हम करें तो माह की पहली तारीख से, दिसंबर से, और माह की 10 तारीख के बीच का जो ये समय है 10 दिन का, इसमें बहुत कम समय के लिए थोड़ा योग बन रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ समस्याएं रहेंगी। समस्याएं किस प्रकार की रह सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। समस्याएं इस प्रकार की रहेंगी कि मान लीजिए आपका जो साथी है, या तो वो नानुकुर करे, वो ऑब्जेक्ट करे कुछ चीज़ों को लेकर के, आप चाहें आगे बढ़ना लेकिन उसकी तरफ से कुछ प्रॉपर रेस्पॉन्स ना मिले आपको, ये है एक तो स्थिति, ये हो सकती है। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि आपका आपस में ठीक है लेकिन घर वालों की परमिशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें पैदा, कहने का भाव ये है कि आपके लिए हैं, आसान नहीं है कि सब चीज़ें बस सामने हैं, चलो भाई कर लो, ऐसा नहीं है। और वो भी सिर्फ 10 तारीख तक ही है, 10 के बाद वो भी ख़त्म। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंधों में। हाँ, वैवाहिक संबंधों की बात करें तो कैसा रहेगा। देखिए भाई, वैवाहिक संबंधों की बात तो ये है कि वैवाहिक संबंधों में भी
हमें कुछ अच्छा हिसाब किताब दिखाई नहीं दे रहा है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। और विशेष रूप से अगर हम बात करें 15 तारीख तक, यूं तो बात तक रहेगा लेकिन 15 तारीख तक तो स्थिति थोड़ी ज़्यादा ही गंभीर है। तो आप सबसे पहली बात तो एक है, आप अपने जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार सही रखें, उचित व्यवहार रखें, वाणी का सदुपयोग करें, मतलब दुरुपयोग ना करें, अच्छे से वाणी का इस्तेमाल करें अपने जीवन साथी के साथ, कुछ कड़वे वचन ना बोलें। हाँ, अगर आप ये सब करते हैं तो निश्चित रूप से संबंधों में और तकरार अधिक बढ़ेगी। ये महा तकरार वाला ही दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई दे रहे हैं आपस में, और स्थिति तो ऐसी दिखाई देती है कि एक साथी पूरब की तरफ जाएगा, दूसरा पश्चिम की तरफ। लेकिन 15 दिसंबर के बाद कुछ स्थिति इस प्रकार की रहेगी, तनावपूर्ण हालात तो तब भी रहेंगे, पूरे माह ही रहेंगे, लेकिन 15 तारीख से इतना है कि थोड़ा सा वो नियंत्रण बन जाएगा। अगर हालात कुछ थोड़े से बिगड़ेंगे भी तो परिस्थितियां लेटर और सूनर देर सवेर ठीक हो जाएंगी नॉर्मल, लेकिन उनमें भी समय लगेगा। तो आपको रहना है बहुत सावधान, बहुत सचेत अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर के। यहां पर अब बात कर लेते हैं परिवार के, परिवार के साथ आपका कैसा रहेगा। देखिए, परिवार के साथ जो रिलेशन है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 तारीख तक रिलेशन परिवार के साथ थोड़ा आप इन इस ओर आप अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 10 दिसंबर तक कुछ ज्यादा सावधान रहिए। अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ जो भी आप व्यवहार उनके साथ है आपका, जो आप बोलते हैं या जो बैठ करके उनके साथ कोई भी मंत्रणा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसमें आपको बहुत ध्यान रखना होगा। किसी ना किसी बात को लेकर के मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन 10 तारीख के बाद चीज़ें सामान्य होती चली जाएंगी आपके और अपने परिवार के सदस्यों के बीच। परिवार से भी आपको आपके लिए सहयोग की प्राप्ति होगी, ये इस प्रकार की स्थिति बनेगी। शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा प्राप्ति में भी थोड़ी बाधाएं रहेंगी छात्रों के लिए, और छात्रों ने अगर अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के थोड़ी और लापरवाही कर दी तो समझिएगा कि परिणाम तो आपके हाथ से गए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अगर चाहते हैं आप कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो शिक्षा को लेकर के, आप अपनी शिक्षा को लेकर के अग्रणी रहें, आगे की ओर अग्रसर हों, तो उसके लिए एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है, वो ये है आपके लिए कि अधिक से अधिक परिश्रम करें और अधिक से अधिक गंभीर हों अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर, वही एकमात्र तरीका है। अब बात करते हैं संतान के विषय में कि माता पिता को संतान से कुछ प्राप्ति हो पाएगी इस बार, अपनी संतान से सुख प्राप्ति होगी या नहीं। देखिए बताना चाहेंगे कि माह की 10 तारीख तक तो आप अपनी संतान को लेकर चिंतित रह सकते हैं, उनके कार्यकलापों को देख करके या उनके परिणामों को देख करके आप चिंतित रह सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि 10 तारीख के बाद थोड़ा सा सुधार आपको बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत परिस्थितियां एकदम अनुकूल हों और आपको बहुत अच्छे अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, उसके लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी इस माह तो थोड़ी स्थिति जो है प्रतिकूल है, इतनी अच्छे स्थिति नहीं है ग्रहों की कि आपको इतने बढ़िया परिणाम प्राप्त हो सके, मतलब मैं यही कहूँगा यहाँ पर कि सामान्य से थोड़ा नीचे। तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना करें बच्चों के साथ और बच्चों पर प्रेशर भी अधिक ना बनाएं, जहाँ पर लगता है कि उनकी कुछ मदद कर सकते हैं तो उसके लिए आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर संतान को। स्वास्थ्य को लेकर के कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य को लेकर के हम बताना चाहेंगे प्रिय मित्रों कि स्वास्थ्य को लेकर के भी ये जो माह है आपका मध्यम रहेगा, बता दें आपको, लेकिन इतना आपसे कहना चाहते हैं कि माह के मध्य में थोड़ी सी दिक्कत आपको शारीरिक तौर पे आ सकती है, माह के मध्य से लेकर माह के अंत तक।
थोड़ा सा समस्या बन सकती है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जो भी होगी वो बहुत कम मात्रा में होगी। थोड़ा सा आप सचेत रहेंगे, थोड़ा सा सावधान रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे, चीज़ें सब आराम से संभल भी जाएंगी। उसके लिए कोई इतनी परेशान होने की बात नहीं है। गुरु बृहस्पति हैं, वो संभालने के ही लिए बैठे हैं, लेकिन आप एकदम निश्चिंत भी ना हो जाएं। तो ये स्थिति रहेगी। और अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं आप वृषभ लग्न के लोगों के, तो बता दें कि उसमें भी कुछ बहुत अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होती दिखाई नहीं पड़ रही है। उसमें भी आपको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं थोड़ा बहुत अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। ये माह अगर हो सके तो थोड़ा इन कार्यों पे ज़्यादा भागा दौड़ी या ज़्यादा वो ना करें, अपना समय नष्ट ना करें, हो सके तो इसको टालिए जहाँ तक हो सकता है इस माह। तो ये आपके विषय में जो हमने बताया है पूरा माह के विषय में। अब आपको बता देते हैं उपाय क्या करने चाहिए। तो उपाय यही है कि सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, प्रतिदिन प्रातःकाल अवश्य जल दें, और बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंगलवार के दिन भी आप क्या करें, अगर चाहें तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा करें, जाकर के उनकी पूजा कर सकते हैं, ये आप कीजिएगा। तो इससे आपके काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। तो ये था आप वृषभ लग्न के जातकों का राशिफल उपायों के साथ। अगर आपको ये पसंद आया है प्रिय साथियों, तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वे आप तक पहुँच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।